नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के साथ ही उधम सिंह नगर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते एसएसपी उधम सिंह नगर की ओर से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते एसपी सिटी और एसपी क्राइम के निर्देशन में एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस को भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मत करोड़ों में आकी जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल रुद्रपुर में चेकिंग अभियान चलाकर एफसीआई गोदाम के पास से एक एक्सयूवी को रोका गया। इस दौरान टीम को चेकिंग में बाहरी संदिग्ध पाया गया, तो इसकी तलाशी ली गई, जिससे 36 पैकेट में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ आंकी जा रही है। वहीं इस मामले में उधम सिंह नगर निवासी दीपक, तारक, राकेश और सितारगंज निवासी राजेश को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वो भूरारनी निवासी राजेश साहनी का गांजा बेचते थे, जिसके बाद उन्होंने खुद अपना काम शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि उड़ीसा से वो मलखानगिरी नामक स्थान से कामेश्वर अजमेरा और निरंजन उर्फ निखिल से गांजा खरीद कर लाए थे। ऐसे में ये गांजा उन्हें रुद्रपुर में बेचना था। साथ ही उन्होंने बताया कि गांजे में दीपक और तारक बराबर के पार्टनर हैं। ऐसे में अब पुलिस ने एक्सयूवी को सीज कर दिया है। वहीं मामले में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि चारों अभियुक्तों के खिलाफ थाना दिनेशपुर में शराब तस्करी के अभियोग पंजीकृत हैं। साथ ही उन्होंने सराहनीय काम करने वाली पुलिस टीम को भी 10,000 का नकद इनाम देने की घोषणा की है। कल सायंकाल को जैसे एमसीसी चुनाव के संबंध में लागू हुआ, उसके बाद हमारे एसओजी एडीटीएफ टीम ये लोग भी जो मोदी ग्राउंड है उसके आसपास आरएफसी ग्राउंड के बाहर ये चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक एक्सयूवी गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो है आंकी गई है, इसकी कीमत है, वो बरामद किया। उसके साथ साथ 6,000 रुपया, 4 मोबाइल फोन बरामद किए। इसमें 4 लोग हैं, एक तो दीपक गायन है, तारक गायन है और राकेश कुमार है, राजेश मंडल, ये सब उधम सिंह नगर के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग की है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी, आबकारी अधिनियम के तहत पहले जेल जा चुके हैं और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी अर्जित किया गया है उसको हम खंगालेंगे, उसको देखेंगे। पूर्व में ये एक पेंटर नाम से जो पहले व्यक्ति इस तरह का पिछले बार हम लोग 80 किलो बरामद किया था, उसका पहला सहयोगी रूप में काम करते थे। अब इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना काम करना शुरू किया था, तो इनका पूरा इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। और मेरे तरफ से 10,000 रुपये के इनाम पूरी टीम को, एसओजी और ईडीटीएफ की टीम को। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।